अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम स्टार्ट करते हैं ऑटो कैड 2015 में लेसन नंबर 140। और आज के इस लेसन में हम ड्रॉ करेंगे एक कंप्यूटर प्रोसेसर कूलिंग फैन विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट कमांड। आज इस लेसन में हम प्रोसेसर कूलिंग फैन डिज़ाइन करेंगे जो कि कंप्यूटर के प्रोसेसर को ठंडा रखने के लिए यूज़ किया जाता है, और आप लोगों ने देखा भी होगा। और इसमें भी मेथड तो हम वही यूज़ करेंगे लेकिन थोड़ी सी चेंजिंग हम लाएंगे उसमें। जो हमने प्रीवियस लेसन में हमने एक 3D रूटर डिज़ाइन किया था, और आज भी हम बिल्कुल वैसा ही काम करेंगे लेकिन कुछ ना कुछ चेंजिंग बीच में लाएंगे ताकि आपको काफ़ी सारे मेथड से कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना आ जाए। तो इसके लिए मैं ऑटो कैड को ओपन करता हूँ। उससे पहले मैं आपको बताता चलता हूँ फिगर जो हम ड्रॉ करेंगे। देखें, ये शेप है, इस चीज़ को आज हम ड्रॉ करेंगे। सो कंप्लीट हम ड्रॉ करेंगे और देखेंगे इस पर कैसे काम किया जाएगा। तो इसके लिए मैं ऑटो कैड को ओपन करूंगा। ये ड्रॉ भी किया हुआ है मैंने, तो स्टार्ट ड्राइंग पे क्लिक करता हूँ। ओके, और यहाँ पे मैं अब नेक्स्ट जो मेथड उसे काम करेंगे तो उसमें सिलेंडर लेता हूँ, और सिलेंडर में सिलेंडर ड्रॉ करता हूँ और 5 इसका रेडियस देता हूँ और 5 इसकी हाइट देता हूँ। 3D व्यू में आते हैं। ओके, अब यहाँ पे मैं हेलिक्स कमांड यूज़ करूँगा। उसके लिए HEL हेलिक्स कमांड, और यहाँ से ये देखें, इस पर मैं क्लिक करता हूँ और मैं इसको नंबर ऑफ टर्न जो मैं इसको देता हूँ, रेडियस जो है इसका बॉटम देता हूँ 5, टॉप भी 5, और नंबर ऑफ टर्न्स के लिए टिक पे क्लिक करता हूँ, टॉप भी 5। हाइट दे रहा है तो हाइट के लिए आप पहले टर्न के लिए टी एंटर करें। नंबर ऑफ टर्न्स को मैं देता हूँ 0.016 नंबर ऑफ टर्न देता हूँ, और हाइट इसको 5 ही दूंगा। ओके, देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास एलेक्स ड्रॉ हो गया। देखिए आप, हमारे पास एलेक्स ड्रॉ हो गया। अब मैंने यहाँ पे आर्क लेनी है, एक आर्क के लिए एंटर करता हूँ और यहाँ पे इस लाइन के टॉप पे जाता हूँ। यहाँ से मैं एक और ड्रॉ करता हूँ, सॉरी गलत हो गया, आर्क ड्रॉ करता हूँ, एंटर। दिस शेप कुछ ऐसी होनी चाहिए आपके पास, ऐसी एक शेप ड्रॉ करें। ओके, अब इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से, सी पी एंटर सेलेक्ट करें इसको, और इसको इस पॉइंट से उठाएं और यहाँ बॉटम वाले इस पॉइंट में इसको लगा दें। देखिए, दूसरे तरीके से मैंने काम कर लिया। और यहाँ से एल एंटर करते हैं। ओके, अब यहाँ से हम सरफेस में आएंगे, सरफेस में नेटवर्क पे क्लिक करेंगे, और नेटवर्क से सबसे पहले फर्स्ट आर्क, सेकेंड आर्क, स्पेस, और ये स्पेस, क्यों मसला है देखते हैं कि क्यों मसला है। फिर नेटवर्क पे क्लिक करता हूँ, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, स्पेस, यस सही है। ओके, यहाँ पे ये काम हो गया। अब इसको थिकनेस की देनी है आपने, तो थिकनेस देने के लिए मैं इसको यहाँ से थिकन पे टाइप करूँगा और इसको यहाँ से क्लिक करता हूँ, स्पेस, और थिकन इसको मैं दूंगा यहाँ पे। देखें, थिकन पॉइंट ग्यारह कितना देनी है आपने, तो मैं 0.1 देता हूँ। ओके, थिकनेस भी इसके आ गए। फिलेट करता हूँ अब इसको, इसके कॉर्नर जो है इनको, शॉर्प एज जो है इनको राउंड करने के लिए मैं फिलेट करूँगा, तो फिलेट यहाँ से भी आप कर सकते हैं। उसके अलावा सॉलिड में जाके सॉलिड में फिलेट यहाँ से भी आप कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ से सिंपल नॉर्मल एफ एंटर करता हूँ, आर एंटर करता हूँ रेडियस के लिए, एफ एंटर, आर एंटर, और फिलेट में इसको देता हूँ जी 0.1, 0.1 एंटर करता हूँ, देखता हूँ 0.1 पे काम करेगा।
बॉटम को भी मिस लेकर के बॉटम में भी जितना चाह रहा हूँ, सॉरी एफ इंटर आर इंटर 0.1 इंटर, एफ इंटर आर इंटर 0.1 इंटर, थोड़ा सा आप ज़्यादा जूम कर लें ताकि आप आसानी से काम कर सकें। ओके देखते हैं जी 0.1 कितना हुआ है, फिर इसने कितना किया है, इतना ज़्यादा नहीं किया इसने। कंट्रोल जेड कुछ ज़्यादा कर लेते हैं, फिलेट फन करते हैं, देखते हैं वन करेगा। एफ एंटर आर एंटर 1 एंटर, 1 भी नहीं कर रहा, 1.3 करते हैं। एफ एंटर आर एंटर 1.3 एंटर, 1 नहीं करेगा। एफ एंटर आर एंटर, एफ एंटर आर एंटर और 0.1 एंटर, सही है। यहाँ से इसको डिलीट कर दें लाइन को, इसको भी डिलीट कर दें। इन दोनों को सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। ओके यहाँ तक कि हमारे पास काम कंप्लीट हुआ। अब इसको मैं यहाँ से जो है तो सॉलिड व्यू में लेके आता हूँ, इलास्टिक व्यू में लेके आता हूँ। सही, ऑब्जेक्ट ड्रॉ हो गया हमारा, देखें ज़रा, सही अच्छा ड्रॉ हुआ है। अब जो काम करना है वो ये है कि आप यहाँ से पोलर एरे कमांड लो, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो, स्पेस प्रेस करो, इसको सेंटर पॉइंट से आप यहाँ से एरे दे दो, नंबर ऑफ टर्न्स इसको 9 दे दें आप। ओके यहाँ पे ये भी ड्रॉ हो गया। अब एक और काम करता हूँ, प्रेस पुल कमांड से मैं से थोड़ा सा मूव करता हूँ, यहाँ से ये जो एरिया है इसको मूव करता हूँ। तो प्रेस पुल कमांड उसके लिए मुझे चाहिए होगी, तो प्रेस पुल कमांड पे क्लिक करता हूँ। अभी मेरे पास प्रेस पुल कमांड भी काम नहीं कर रही, पता नहीं क्यों। छोड़ें, प्रेस पुल अगर नहीं काम करे तो आप यहाँ आप इस तरह करें कि एक्स टू फेसेस पे क्लिक करें, ये फेस का सिलेक्ट करें फ्रंट वाला, इसको आप थोड़ा एक्सट्रूड कर लें, हाइट दे दें 5, बहुत ज़्यादा है। कंट्रोल जेड, इसको हाइट दूंगा 2। ओके दोबारा एक्सट्रूड फेस पे क्लिक करें, फ्रंट से इस तरह रखें, एक्सट्रूड फेसेस स्पेस और इसको हाइट देता हूँ 2, 0 एंगल। ओके ये काम करने के बाद आप यहाँ पे दोबारा फिलेट कमांड अप्लाई करें, एफ एंटर, एफ एंटर और रेडियस आर एंटर, रेडियस दे 1, तो मैं 2 देता हूँ, ज़रा देखता हूँ 2 पे काम करेगा कि नहीं। 2 स्पेस और सिलेक्ट किया और डबल स्पेस करें, हाँ सही है। तो यहाँ से इसको राउंड भी हो गया, देख सकते हैं। ओके अब ये सारा हमारे पास काम जी कंप्लीट हो गया। अब इसमें तकरीबन हमारा ये फोन जो हमारे पास है ये फैन ड्रॉ हो गया। अब इसको इंटरनल स्ट्रक्चर्स का बनाना है, तो उसके लिए आप इसको टॉप पेज लेके जाएं, ओके टॉप पे लाने के बाद आपने यहाँ से क्या करना है, अपने काम करना है जी। वो काम क्या है कि आप यहाँ से इस बार इस पर क्लिक करें, फेसेस पे क्लिक करें और बॉटम सबसे बॉटम वाला जो फेसेस है इस पर क्लिक करके आप यहाँ से इसको फ्रंट फेस पे यहाँ पे रखते हैं, एक्सेप्ट करें, यस। ओके अब यहाँ से अपने क्या करना है कि आप यहाँ से एक्सेल एक्सेल एंटर
यूसीएस आइकन को ओरिजिन पॉइंट भेजें, यूसी एंटर डिस्प्ले एट ओरिजिन पॉइंट, ओके ओके। F7 प्रेस करके गाइडलाइंस को ख़त्म करें, एक सेल कंस्ट्रक्शन लाइन लें और यहाँ से कंस्ट्रक्शन लाइन लें, F8 प्रेस करें स्ट्रेट के लिए, कंस्ट्रक्शन लाइन आ गई, ऑफसेट लें, ओ एंटर, 12 एंटर, स्ट्रिम टी आर डबल इंटर, यहाँ से ये सारे इनको आप ट्रिम कर दें, फिलेट एफ इंटर, ज्वाइन करें पहले इसको, जे इंटर, सबको ज्वाइन करें, स्पेस स्पेस करें, फिलेट दें, एफ इंटर, रेडियस आर इंटर, और रेडियस में इसको 2 ही देता हूँ फॉर एग्जांपल, या 3 देता हूँ, 3, और मल्टीपल के लिए मैं यूज़ करूँगा, या फिर आप पॉली लाइन के लिए यूज़ करें तो पॉली लाइन में सिर्फ 1 टाइम आप ने रेडियस देना है, चारों तरफ से देखें रेडियस मेरे पास आ जाएगा, ओके। अब एक सर्कल ड्रॉ करें, सी एंटर, नॉर्मल से सर्कल ड्रॉ करें यहाँ से, जो कि आपको तो टच ना करता और थोड़ा सा स्पेस भी हो, ओके। और इन फालतू एडजेस को डिलीट कर दें, सर्कल ड्रॉ करें सी एंटर इन कॉर्नर से, कॉपी करें सर्कल को, इसको सी पी एंटर, मिड पॉइंट से उठाएं और इसके मिड पॉइंट में, कंट्रोल जेड, कॉपी सी पी, या आप ऐसा करें ये सर्कल में बहुत नीचे आ रहे हैं ना, तो आप इसको मूव करें यहाँ से, एम एंटर, थोड़ा सा इसे F8 प्रेस करें, थोड़ा सा यहाँ पे मूव करें और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लें, एल एंटर, F8 प्रेस करें, इसको मिरर करें, एम आई एंटर, ओके। और फिर इसको मिरर करें यहाँ से यहाँ तक, उसके लिए एम आई एंटर, इसको सेलेक्ट करें, इसको सेलेक्ट करें स्पेस और यहाँ पे इसके मिड पॉइंट से आप मिरर कर लें, ओके अब सही हो गया, ओके। अब इसको 3D व्यू में लेके जाएं, यहाँ पे फिर प्रेस पुल कमांड यूज़ करें, अगर अप्लाई हो रही है तो यस हो रही है अप्लाई, और इनको सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से ड्रॉप डाउन इसको मूव कर दें, 5 7 एंटर कर देता हूँ, ओके। तो आपका यहाँ पे देखें एक फैन ड्रॉ हो गया, देख सकते हैं, ओके। एंजॉय करें अपने इस लेसन को, और इसके अलावा जितने भी लेसन हमने मैकेनिकल मॉडलिंग की है उन सब पे प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आप नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं कुछ न्यू मॉडलिंग ला लेके, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा, खुदा हाफिज़।